नमस्कार, आज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। राज्यसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने अपने तमाम विधायकों को मुंबई बुलाया है। अमरावती से विधायक रवि राणा ने इस पर तंज कसा है कि शिवसेना को अपने ही विधायकों पर विश्वास नहीं है क्या। तो पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने कहा है कि अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को मिले धमकी भरे पत्र को मुंबई पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा हालात मुंबई और आसपास इलाकों के खराब है। इस बीच राज्य के मंत्री नितिन राउत अपने बयान के कारण निशाने पर है। उन्होंने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कल कहा था कि इसके लिए दिल्ली से नागपुर आने वाले प्रवासी जिम्मेदार है। तो उधर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई पुलिस उन्हें नोटिस भेजने का मन बना रही है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आगामी 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने अपने तमाम विधायकों को मुंबई बुलाया है। जानकारी के अनुसार उन्हें मुंबई के एक होटल में रखा गया है ताकि खरीद फरोख्त से उन्हें बचाया जा सके। शिवसेना की इन चाल पर अमरावती से विधायक रवि राणा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना को अपने ही विधायकों पर विश्वास नहीं है क्या। विधायकों को शिवसेना कार्यकर्ताओं की देखरेख में रहना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे के सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि उनके ही विधायक उनके साथ है या नहीं। हकीकत तो यही है कि जिस तरह से निर्दलीय विधायक शिवसेना से नाराज है, उसी तरह उनके पार्टी के भी विधायक उनसे नाराज है। निर्दलीय विधायक आशीष जायसवाल का विकास काम में मंत्रियों को कट देने वाला वक्तव्य आज भी लोगों को याद है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने और सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुट गई है। शिवसेना ने अपने विधायकों को सोमवार की रात मढ़ आइलैंड के होटल रिट्रीट में भेज दिया है। विधायकों पर नजर रखने के लिए शिवसेना ने होटल के अंदर और बाहर शिवसैनिकों की टुकड़ियां तैनात की है। वही खबर है कि कांग्रेस अपने विधायकों को रेनेसा होटल में रखने जा रही है। इसी तरह खबर है कि बीजेपी भी अपने विधायकों को ताज होटल में रखने वाली है। राज्यसभा के इन चुनाव को महाविकास आघाड़ी सरकार की एकजुटता और उसके बहुमत का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने कहा कि अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को मिले धमकी भरे पत्र को मुंबई पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस केस की जांच की जा रही है। इस केस में बांद्रा पुलिस ने रविवार को एफआईआर दर्ज की थी। लोकल पुलिस के साथ मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमें इसकी जांच कर रही है। इस केस में पुलिस ने सलीम खान और सलमान सहित 4 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। सलमान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांद्रा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 506/2 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने कल सलमान खान के पिता सलीम खान का बयान दर्ज किया था, जिन्हें एक दिन पहले पत्र के माध्यम से धमकी मिली थी कि पिता पुत्र की जोड़ी का हश्र भी पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला जैसा होगा। एक पुलिस सूत्रों के अनुसार पत्र में कहा गया है कि सलीम खान सलमान खान बहुत जल्द ही तुम्हारा हश्र मूसेवाला जैसा होगा। GB/LB अटकलें हैं कि GB और LB कुख्यात आरोपी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई का उल्लेख करते हैं। हालांकि पुलिस ने इस पहलू पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए इलाके के 200 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज एकत्र की है, जिसने रविवार को बांद्रा बैंड स्टैंड में उस बेंच पर धमकी भरा पत्र रखा जिस पर सुबह की सैर के बाद सलीम खान बैठे थे। अधिकारी ने कहा कि बेंच से 30 मीटर की दूरी पर एक CCTV कैमरा था, लेकिन एक पेड़ के कारण दृश्य बाधित हो रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा हालत मुंबई और आसपास इलाकों की खराब है। एक हफ्ते के अंदर पालघर में 350% और ठाणे में ताजा COVID-19 मामलों में 192% का बड़ा उछाल देखा गया है। मुंबई में मामलों में 136% की बढ़ोतरी हुई है। रायगढ़ और पुणे के साथ 3 जिलों ने सामूहिक रूप से मई के अंतिम सप्ताह से मामलों में 136% से अधिक की वृद्धि देखी गई। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि महाराष्ट्र में ये चौथी लहर है। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में एक्टिव कोविड मामले बढ़कर 7,429 हो गए हैं। इनमें से अकेले मुंबई में 5,238 केस है। शहर की साप्ताहिक सकारात्मकता दर 8.8% राज्य की तुलना में 2 गुनी है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि 6 जिलों में सकारात्मकता दर में वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों को तत्काल परीक्षण करने के लिए कहा गया है। राज्य की साप्ताहिक सकारात्मकता दर 4.5% पर लगातार बढ़ रही है। मुंबई ने 8.8% और पालघर ने 4.9% के साथ राज्य के औसत को पार कर लिया है।
थाने शहर ने सोमवार को 20% की दैनिक सकारात्मकता दर दर्ज की, जो रविवार के 10% से लगभग दोगुनी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने जिला प्रशासन से इन जिलों में परीक्षण को सख्ती से बढ़ाने के लिए कहा है। राज्य प्रतिदिन लगभग 25,000 परीक्षण कर रहा है। अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षण के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए बुखार, सर्दी और फ्लू के साथ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का RT-PCR परीक्षण करें। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के मंत्री नितिन राउत अपने बयान के कारण निशाने पर है। उन्होंने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कल कहा था कि इसके लिए दिल्ली से नागपुर आने वाले प्रवासी जिम्मेदार हैं। उनके यहां आने की वजह से कोरोना फैल रहा है। उन्होंने कोविड के मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए हवाई अड्डे पर ट्रेसिंग और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक कोरोना जाँच कराने की बात कही। पालक मंत्री के इस बयान को लेकर भाजपा के प्रदेश सचिव धर्मपाल मेश्राम ने कहा कि संक्रमण के मुद्दे पर भी पालक मंत्री राजनीति कर रहे हैं। उनका बयान प्रदेशवार को बढ़ावा देने वाला है। संक्रमण का कारण बताने की अपेक्षा उपाय योजनाओं पर जोर देना आज आवश्यक है। रोकथाम की बात होनी चाहिए, प्रशासन की निगरानी होनी चाहिए, न कि इसकी कमीज उसकी कमीज देखनी चाहिए। बता दें कि ठीक इसी तरह पिछले हफ्ते की एक घटना में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने राज्य में कोरोना मामलों में वृद्धि के लिए उत्तर भारतीय छात्रों को दोषी ठहराया था, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। मेश्राम ने कहा कि राउत महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे से सीख ले। उन्होंने कहा कि कोविड की वृद्धि से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई पुलिस उन्हें नोटिस भेजने का मन बना रही है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने कहा कि नुपुर शर्मा को जल्द ही समन भेजा जाएगा। उनके खिलाफ पायधुनी पुलिस में FIR दर्ज की गई है। रजा एकेडमी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद नुपुर शर्मा कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई है। उन्हें लगातार रेप करने और उनका एवं उनके परिवार का सिर काटने की धमकियां मिल रही है। हाल ही में नुपुर शर्मा एक निजी टीवी चैनल की डिबेट में हिस्सा लेने पहुंची थी। ये डिबेट वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर थी। आरोप है कि उन्होंने इस दौरान इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। इस मामले में भारत की ओर से अपना स्टैंड साफ करने के बावजूद पाकिस्तान ने सोमवार को भारतीय उच्चायोग के प्रभारी को तलब करके आधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया। सऊदी अरब, बहरीन और अफगानिस्तान ने भी बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं के विवादित बयान की निंदा की है। इससे पहले कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूतों को तलब किया था। माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। कई संगठनों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। झारखंड के पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के सर्किट हाउस में लालू प्रसाद यादव के कमरे में सुबह अचानक आग लग जाने से कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि उसने पहले भी सलमान खान को मारने की प्लानिंग की थी। इसके लिए उनके मुंबई स्थित घर की रेकी भी करवाई थी, मगर उसे सफलता नहीं मिली। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और सोपोर में अलग अलग दो एनकाउंटरों में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बीच कल देर रात करीब 11 बजे BSF के जवानों ने एक ड्रोन को मार गिराया। उसमें 3 टिफिन बम मिले हैं, जिनमें IED भरा हुआ था। तो उधर मानसून की गति अरब सागर के पास कमजोर पड़ गई है, इस कारण गर्मी की परेशानी बनी हुई है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। झारखंड के पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के सर्किट हाउस में लालू प्रसाद यादव के कमरे में मंगलवार सुबह अचानक आग लग जाने से कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया, लेकिन वॉल फैन में लगी आग पर कुछ ही मिनटों में काबू पा लिया गया और किसी बड़े नुकसान नहीं होने की खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 जून को कोर्ट में पेशी के लिए 6 जून को हेलीकॉप्टर से पलामू पहुंचे लालू प्रसाद यादव पलामू सर्किट हाउस में रुके हुए हैं। मंगलवार सुबह करीब 9:45 बजे के करीब लालू प्रसाद के कमरे में लगे वॉल फैन में अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सर्किट हाउस की पहले बिजली कटवाई और फिर आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। जिस वक्त यह घटना हुई, उस वक्त लालू प्रसाद स्नान और पूजा अर्चना करने के बाद बगल वाले कमरे में नाश्ता कर रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक लालू प्रसाद जिस कमरे में रुके थे, उसी कमरे में यह घटना हुई। बताया गया है कि सर्किट हाउस के कमरे में लगे एक वॉल फैन में अचानक पहले चिंगारी निकली और कुछ ही पल में पंखे में तेज आग निकलने लगी। आनन फानन में सेवादारों ने तत्काल उस कमरे की बिजली कटवा दी और जलते हुए पंखे को वहां से निकालकर बाहर कर दिया। हालांकि राहत की बात रही कि जिस वक्त यह घटना हुई, उस वक्त लालू प्रसाद उस कमरे में मौजूद नहीं थे। सर्किट हाउस की व्यवस्था संभाल रहे जिम्मेदार अफसरों से पूछताछ की जा रही है। बहरहाल इस घटना से सर्किट हाउस के रखरखाव की भी पोल खुल गई है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई पुलिस के रडार पर है।
इसके साथ ही सबका ध्यान सलमान खान की तरफ भी गया है। लॉरेंस सलमान खान को मारने की धमकी दे चुका है। इस धमकी से आशंकित मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। लॉरेंस ने पहले भी सलमान को मारने की प्लानिंग की थी। इसके लिए उनके मुंबई स्थित घर की रेकी भी करवाई थी, मगर उसे सफलता नहीं मिली। अब मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि लॉरेंस ने सलमान खान को मारने के लिए क्या योजना बनाई थी। लॉरेंस ने पुलिस इंट्रोगेशन में खुलासा किया कि बिश्नोई समाज काले हिरन में धार्मिक आस्था रखता है। ब्लैकबक केस में सलमान खान का नाम आने के बाद बिश्नोई समाज की सलमान खान से नाराजगी की खबरें आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने 2021 की पूछताछ में खुलासा किया था कि उसने राजस्थान के गैंगस्टर संपत नेहरा से सलमान खान की हत्या के लिए कहा था। उसके ऑर्डर पर नेहरा मुंबई गया और बांद्रा में सलमान खान के घर की रेकी की। नेहरा उस वक्त एक पिस्टल लेकर गया था। उसे दूर से सलमान खान का क्लियर शॉट नहीं मिल पाया था। इसके बाद लॉरेंस ने आरके स्प्रिंग राइफल ऑर्डर की थी। यह राइफल नेहरा के गांव में रहने वाले दिनेश फौजी के जरिए ऑर्डर की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस ने इसके लिए साथी अनिल पांड्या को 3 से 4 लाख रुपए दिए थे। राइफल दिनेश फौजी के पास रखवाई गई थी। पुलिस ने राइफल दिनेश के पास से बरामद की थी और उसे गिरफ्तार कर लिया था। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा और सोपोर में अलग अलग दो एनकाउंटरों में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक आतंकवादी सोपोर में मुठभेड़ के दौरान ढेर हुआ है। हंजाला नाम के इस आतंकी के पास से AK-47 राइफल और 5 मैगजीन बरामद की गई है। लाहौर के रहने वाले हंजारा को ढेर करना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही कुपवाड़ा में आज सुबह ही शुरू हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इनमें भी एक आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला है। कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार ने कहा कि कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल 2 आतंकियों में से एक को ढेर कर दिया गया, एक अभी बचा है और सुरक्षा बल उसकी तलाश में जुटे हैं। इसके अलावा अमरीन भट्ट के हत्यारे 2 आतंकियों को भी मारा जा चुका है। इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर विजय कुमार की हत्या करने वाले आतंकियों की भी पहचान कर ली गई है। उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी या फिर एनकाउंटर में मारा जाएगा। पुलिस अधिकारी ने मुठभेड़ की जानकारी देते हुए कहा कि हमें कुपवाड़ा के चकतारा कंडी इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान घात लगाए बैठे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अटैक कर दिया। जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी ढेर हुए। एक की पहचान तुफैल के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर में अशांति और आतंकवाद फैलाने की अक्सर साजिशें रचने वाले पाकिस्तान ने अब भारत के खिलाफ ड्रोन वारफेयर छेड़ दिया है। बीते कुछ सालों में तेजी से ऐसे मामले आए हैं जब ड्रोन्स के जरिए जम्मू कश्मीर और पंजाब में हमले करने, विस्फोटक गिराने या फिर जासूसी करने की कोशिश की गई है। ऐसा ही एक मामला सोमवार देर रात कानाचक इलाके में सामने आया है। रात को करीब 11 बजे BSF को एक ड्रोन उड़ता दिखा और जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए उस पर फायरिंग शुरू की। कुछ देर में पुलिस को भी बुलाया गया और एक बार फिर से फायरिंग की गई। इस ड्रोन में 3 टिफिन थे जिनमें IED भरा हुआ था। यही नहीं, इन बमों के साथ अलग अलग वक्त पर टाइमर भी सेट किए थे। सुरक्षा बलों ने एक्सपर्ट्स की मदद से IED को डीएक्टिवेट कर दिया और किसी भी घटना की आशंका को टाल दिया। जून 2021 में भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर ड्रोन अटैक किया गया था। भारत में ड्रोन अटैक का ये पहला मामला था। इस हमले में ड्रोन के जरिए एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में कम तीव्रता वाले 2 बम गिराए गए थे। ये धमाके आधी रात को करीब 1:30 बजे हुए थे। पिछले दिनों ड्रोन के जरिए पंजाब में भी विस्फोटक गिराए जाने का मामला सामने आ चुका है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने भी ड्रोन अटैक्स को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि अब युद्ध के तरीके बदल चुके हैं और पहली गोली चलने से पहले ही युद्ध शुरू हो सकता है। मानसून की गति अरब सागर के पास कमजोर पड़ गई है। इस तरह इसके देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने में 6 दिन की देरी हो चुकी है। मानसून के कमजोर होने के साथ ही देश भर में इस सीजन में बारिश में 38% की कमी आई है। मौसम विज्ञान के एक अधिकारी ने कहा कि सेंट्रल इंडिया में इस बार मानसून का पैटर्न बदला हुआ नजर आ रहा है। एंटी साइक्लोन की मौजूदगी मानसून को लेकर अच्छा संकेत नहीं है। अरब सागर के पास इसकी गति कमजोर पड़ चुकी है। पाकिस्तान की ओर से चल रही शुष्क और गर्म पछुआ हवाओं की वजह से उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में गुरुवार तक लू चलना जारी रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि गुरुवार तक पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में लू चलने का अनुमान है। मौसम कार्यालय ने अगले 2 दिनों के लिए ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ और उत्तराखंड में लू चलने का अनुमान जताया है। दक्षिण पश्चिम मानसून 29 मई को केरल पहुंचा था और जल्द इसकी गति पकड़ने
वो आगे बढ़ने की उम्मीद है। बहरहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जबरदस्त गर्मी जारी है, पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण सप्ताहांत में इस गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। राजधानी में शुक्रवार तक अधिकतम तापमान गिरकर 40 से 41 डिग्री सेल्सियस पर आ सकता है। इसके पहले स्थानीय कारकों के चलते तेज हवा या बूंदाबूंदी संभव है। चीन ने अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। अब इस कम्युनिस्ट देश में 18 साल से कम उम्र के बच्चे और किशोर अपने शरीर पर किसी भी तरह का टैटू नहीं बनवा सकेंगे। तो YouTube, Facebook जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सनसनीखेज वीडियो बनाकर चर्चा बटोरने वाले और उससे पैसे कमाने वाले लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि जल्द ही गूगल इसे लेकर कड़े नियम बनाने वाला है। वहीं ब्रिटेन ने सिगरेट छोड़ने वालों को अच्छी खासी रकम देने का प्रलोभन दिया है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI ने भारत से खुफिया जानकारी जुटाने के लिए सैकड़ों जवान लड़कियों की भर्ती की है जो हनी ट्रैप का सहारा लेंगी। तो उधर हैरान करने वाला सच खाड़ी देशों से निकल कर आया है। यहाँ कमाने के लिए जाने वाले भारतीयों में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चीन ने सोमवार को नाबालिगों के टैटू बनवाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अब इस कम्युनिस्ट देश में 18 साल के उम्र के बच्चे और किशोर अपने शरीर पर किसी तरह का टैटू नहीं बनवा सकेंगे। शी जिनपिंग की सरकार ने टैटू आर्टिस्ट और टैटू शॉप को सख्त हिदायत दी है कि यदि कोई नाबालिगों को टैटू बनाते नजर आएगा तो उन्हें कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। चीन के सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस बात की घोषणा की है। शी जिनपिंग सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई पहले से टैटू बनवा चुका है और इस आदेश के बाद हटाना चाहता है तो उसे इसके लिए मेडिकल गाइडेंस भी दी जाएगी। चीन का कहना है कि अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं तो यह समाजवाद के मौलिक मूल्यों के खिलाफ है। चीन में जिस प्रावधान के तहत यह फैसला लिया गया है उसके मुताबिक राज्य, समाज, स्कूल और परिवारों को नाबालिगों को शिक्षित करना चाहिए और समाजवाद के मौलिक मूल्यों की स्थापना और इस्तेमाल में नाबालिगों की मदद करनी चाहिए ताकि वे टैटू से होने वाले नुकसान के बारे में समझे और इसको लेकर उनकी जागरूकता बढ़ाए, साथ ही अपनी सुरक्षा कर सके और तर्कसंगत आधार पर टैटू लगवाने से मना कर दे। इस घोषणा के आलोक में अभी स्थिति यह है कि जिन कलाकारों ने शौक से टैटू बनवा रखा है उन्हें चीन के सरकारी टेलीविजनों पर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। टैटू के खिलाफ CPC का अभियान लगातार जारी है और अब आकर बच्चों पर इस तरह की पाबंदी लगाई गई है। चीन सरकार ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन अक्षम्य अपराध माना जाएगा और उचित दंड दिया जाएगा। YouTube, Facebook जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सनसनीखेज वीडियो बनाकर चर्चा बटोरने वाले और उससे पैसे कमाने वाले लोग सावधान हो जाए, क्योंकि जल्द ही गूगल इसे लेकर कड़े नियम बनाने वाला है। दरअसल फेक न्यूज को लेकर गूगल को गहरा झटका लगा है। एक ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने गूगल पर करीब 4 करोड़ रुपए का मुआवजा ठोका है। ऑस्ट्रेलिया में YouTube पर चलाए गए भड़काऊ, आपत्तिजनक, अपमानजनक वीडियो के कारण एक नेता का राजनीतिक करियर तबाह हो गया, जिसका गुनहगार गूगल को माना गया है। अदालत ने सोमवार को गूगल को इसके लिए 515,000 अमेरिकन डॉलर यानी करीब 4 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के उप मुख्यमंत्री जॉन बारिलोरो को एक यूट्यूबर के दुष्प्रचार वाले वीडियो के कारण समय से पूर्व राजनीति से संन्यास लेना पड़ा। संघीय अदालत ने पाया कि यूट्यूब की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक के गूगल ने बालियारों को नस्लवादी ठहराने वाले यूट्यूब जॉर्डन शैंक्स के 2 वीडियो को प्रसारित कर हजारों डॉलर बनाए। जॉर्डन शैंक्स के इस वीडियो को 2020 के अंत में पोस्ट किया गया था, जिसे अब तक 8 मिलियन से भी अधिक बार देखा जा चुका है। गूगल को एक नेता की मानहानि के लिए जिम्मेदार पाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में मानहानि कानून की समीक्षा करने वाली टीम इस बात की जांच कर रही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उनके द्वारा प्रसारित की गई सामग्री के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए या नहीं। वहीं गूगल तथा अन्य दिग्गज सोशल मीडिया कंपनियों का तर्क है कि हर पोस्ट, वीडियो या अन्य सामग्री की निगरानी नहीं की जा सकती है। एक ओर दुनिया में स्मोकिंग करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी ओर प्रदूषण का लेवल भी उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इस वजह से स्मोकर्स को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। इसको देखते हुए अब ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाया है। वहां सिगरेट छोड़ने वालों को अच्छी खासी रकम दी जाएगी, हालांकि इसके लिए कई शर्तें हैं। दरअसल ब्रिटेन के चेशायर ईस्ट में स्मोकिंग रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वहाँ पर लोगों की उम्र कम हो जाएगी, क्योंकि स्मोकर्स अपने आसपास मौजूद लोगों को भी धुएं से नुकसान पहुँचाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर शहर में कोई आम शख्स स्मोकिंग से तौबा करता है तो उसे 200 पाउंड की राशि दी जाएगी। ये भारत के हिसाब से करीब 20,000 रुपये होगी।
वही गर्भवती महिला अगर स्मोकिंग करती है तो उसके साथ उसके बच्चे को भी खतरा रहता है। ऐसे में सरकार ने उनके लिए फंड को दोगुना कर दिया है। अगर वो पूरी तरह से स्मोकिंग छोड़ती है तो उन्हें 40,000 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे लोगों को कई खास टेस्ट से गुजरना होगा ताकि ये पता चल सके कि शख्स चेन स्मोकर है। इसके बाद आपको स्मोकिंग छोड़कर एक्सेल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड टेस्ट देना होगा। जो कोई इसमें पास होगा उसे तय राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी। अभी स्कीम के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके तहत जो पैसा लोगों को दिया जाएगा वो किस्तों में मिलेगा। पाकिस्तान ने भारत से खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का जाल बिछाया है। इसके लिए पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI ने सैकड़ों जवान लड़कियों की भर्ती की है, जिन्हें बड़े बड़े अफसरों को फंसाने के लिए तरह तरह की ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें उनकी कला में इस तरह से ट्रेन किया गया है कि जो भी खुफिया सूचना की उन्हें दरकार है वह हर हाल में उन्हें उपलब्ध करवा सके। लेकिन भारतीय एजेंसियों के चौकन्ना रहने की वजह से वह जितना कुछ कर सकता था वह नहीं कर पा रहा है। फिर भी खतरा हर पल बढ़ रहा है। दरअसल भारत में पिछले कुछ महीनों में हनी ट्रैप के मामलों में अचानक इजाफा हो गया है। जासूसी के लिए विष कन्याओं का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता रहा है। संवेदनशील जानकारी निकालने के लिए खूबसूरत लड़कियों के जरिए टारगेट को हिट करने का फॉर्मूला जितना पुराना है उतना ही अक्सर अचूक भी होता है। सामान्य तौर पर हनी ट्रैप के जरिए फंसाने का एक ही मकसद है, दुश्मन देश से बेहद ही गोपनीय जानकारी हासिल करना। यह जानकारी सरकारी अफसरों, सेना के अधिकारियों या जो भी इसे देख रहे होते हैं उन्हीं के पास होती है। इसलिए जासूस हनी ट्रैप में उन्हें ही फंसाने की साजिश रचते हैं। जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाली लड़कियां तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। यह शारीरिक संबंध कायम करने तक भी जा सकता है, मतलब इसमें सेक्स और कैश दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान या उसके ISI ने भारत के खिलाफ जासूसी के लिए ऐसी 300 लड़कियों की भर्तियां की है। काम और आर्थिक अवसरों की तलाश में लोग अपना देश छोड़ परदेश जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनका नया ठिकाना उनके जीवन स्तर में बदलाव लाएगा। भारत में जहां 60% आबादी या कहे 80 करोड़ से भी अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, पलायन करने की चाह रखने वाले भारतीयों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाली जगह खाड़ी राष्ट्र है। 70 के दशक में खाड़ी देशों में तेल की उछाल के बाद यहाँ प्रवासी श्रमिकों की आमद में लगातार वृद्धि देखी गई है। इसलिए अगर कहा जाए कि खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय लोगों की संख्या लगभग 85 लाख है तो यह आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। लेकिन दुखद यह है कि प्रवासी श्रमिकों को उनके नियोक्ताओं द्वारा मानसिक और शारीरिक यातना दी जाती है। वेतन का भुगतान न करने, लंबे समय तक काम कराने, अपर्याप्त जगह पर रखने, शारीरिक शोषण करने और छुट्टी न देने के मामले खाड़ी देशों में नियमित कहानी बन चुके हैं। और इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि खाड़ी देशों में हर दिन लगभग 10 भारतीय श्रमिकों की मौत का आकलन है। यह आंकड़ा एक वॉलंटियर समूह द्वारा RTI जवाबों के विश्लेषण के आधार पर जारी किया गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि यदि कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पूर्ण आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं तो यह संख्या और बढ़ सकती है। सऊदी अरब में सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और कुवैत का नंबर आता है। यहाँ आत्महत्या के मामले अधिक देखे जाते हैं। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।